हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। घर के हर पार्ट को क्लीन रखना कोई इजी टास्क नहीं है। चाहे अपने घर के बहुत से एरियाज़ को हम डेली क्लीन करते हैं, बट फिर भी अदर एरियाज़ को भी एक लॉन्ग टाइम तक हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से डस्ट के साथ साथ बैक्टीरिया भी अट्रैक्ट होता है। सो हर एक को डेली क्लीनिंग के साथ वीकली क्लीनिंग को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि घर के हर एरिया की क्लीनिंग रोटेशन में आए। हर घर की क्लीनिंग घर के साइज, इन्वायरमेंट एंड फैमिली मेम्बर्स पर डिपेंड करती है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई वीकली क्लीनिंग रूटीन। मेरे डेली क्लीनिंग आवर्स में 1.5 आवर मॉर्निंग का एंड 1/2 आवर इवनिंग का होता है एज पर रिक्वायरमेंट। सो मैंने मंडे टू संडे डेली क्लीनिंग के साथ कुछ ऐसे एरियाज की क्लीनिंग को कंबाइन किया है जो मैं डेली नहीं कर सकती। वीकली क्लीनिंग के लिए अगर मुझे डेली का कोई एक पार्ट स्किप करना पड़े तो मैं करती हूँ अकॉर्डिंग टू टाइम एंड रिक्वायरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे। मंडे होता है फ्रिज एंड ट्रैश कैंस क्लीन करने का। फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो नहीं, बट क्योंकि संडे इवनिंग में मेरी वीकली वेजिटेबल्स की शॉपिंग होती है, सो मंडे को फ्रिज की बास्केट क्लीन करने के साथ साथ मैट्स भी चेंज कर देती हूँ। वेजिटेबल बास्केट को विनेगर स्प्रे के साथ ही क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि मैं वेजेस को हमेशा क्लीन एंड ड्राई करके ही स्टोर करती हूँ, सो बास्केट को एवरी वीक वॉश करने की जरूरत नहीं होती। और जब डर्ट ज़्यादा हो या स्टेन नज़र आए तो मैं उसे वॉश कर लेती हूँ। वेजेस को मैं कैसे क्लीन एंड ड्राई करके स्टोर करती हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रिज मैट्स को चेंज करने के लिए आपको चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती हैं, और इतना करने से ही पता चल जाता है कि कौन सी वेस्ट चीज़ें आपके फ्रिज में पड़ी हैं जो यूज़ करने के लायक नहीं हैं। सो इस तरह करने से बिना ज़्यादा एफर्ट के एवरी वीक आपके फ्रिज की क्लीनिंग हो जाती है। इसके साथ ही घर के सारे ट्रैश कैंस की क्लीनिंग भी मैं मंडे को ही करती हूँ। ये किचन का ट्रैश कैन है जिसमें गार्बेज बैग लगाने के अलावा मैं इस तरह से एक न्यूज़पेपर बॉटम में लगा के रखती हूँ और वीक में एक बार इसे अच्छे से वॉश कर देती हूँ। किचन के बिन को क्लीन करने के अलावा घर के अदर एरियाज में रखे हुए ट्रैश कैंस की क्लीनिंग भी साथ में ही हो जाती है। ट्यूजडे को टर्न आती है घर को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करने की। वीक में एक बार घर के सारे मैट्स, रग्स को मैं वैक्यूम कर देती हूँ। इसके अलावा अदर रिक्वायर्ड एरियाज को भी इससे ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये डर्ट और डस्ट को रिमूव करने के साथ साथ पेट हेयर को भी रिमूव करता है, और वैक्यूम करने से घर की हवा काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। वेडनेसडे का दिन मैंने फर्स्ट फ्लोर की क्लीनिंग के लिए रखा है। इस दिन इस फ्लोर की डस्टिंग, मॉपिंग वगैरह करती हूँ। ज़्यादातर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर का यूज़ सिर्फ सोने के लिए ही होता है, सो ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग डेली ही करनी पड़ती है, बट फर्स्ट फ्लोर की वीक में एक बार करती हूँ और इस दिन नीचे वाली फ्लोर की क्लीनिंग को स्किप करती हूँ।
और डस्टिंग के साथ साथ रेलिंग को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे जाते वक्त हाथ लगने से इस पे काफ़ी डर्ट और स्टेन्स नज़र आने लगते हैं। लेट्स गो टू द थर्सडे क्लीनिंग, जिसमें वॉल क्लीनिंग और इलेक्ट्रिकल स्विचेस की क्लीनिंग सेट है। वॉल क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं घर की सारी वॉल्स को क्लीन करती हूँ, बट स्टेयर्स के साथ लगती इस वॉल पे स्पॉट्स काफ़ी क्लियरली नज़र आते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे भी हमारे हाथ लगते रहते हैं, तो इस वॉल को मैं वीक में एक बार ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। एक बार डिटर्जेंट के साथ और सेकेंड टाइम क्लीन वाटर के साथ एक एक वाइप कर देने से ही वॉल बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस हमेशा शाइन करते रहें और उनको क्लीन करने के लिए आपको कभी ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, तो वीक में एक बार ग्लास क्लीनर से इनको ज़रूर क्लीन करें। वीकली क्लीनिंग करने से ये बस एक वाइप देने से ही क्लीन हो जाते हैं, अदरवाइज़ इन पे लगे स्पॉट्स को क्लीन करना फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ्राइडे की वीकली क्लीनिंग मैं इवनिंग में ही करती हूँ, विच इज़ क्लॉजेट क्लीनिंग। यहाँ क्लॉजेट क्लीनिंग से मेरा मतलब क्लॉजेट की डीप क्लीनिंग से नहीं है, बट चीज़ें उठाते वक्त जो थोड़ा बहुत मैस हो जाता है उनको मैं साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि कहीं क्लॉजेट में इस तरह से पाइल ना बन जाएं जिन्हें देखते ही घबराहट होने लगे और उसे क्लीन करने का मन भी ना करे। रोज ऑर्गेनाइज रहें तो उनके लिए मैं इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस का भी यूज़ करती हूँ, जो अब काफ़ी ओल्ड भी हो गए हैं, बट या जल्दी ही मैं इन्हें एक नया लुक दूंगी। सैटरडेज़ को बच्चे अपने स्टडी टेबल्स क्लीन करते हैं और मैं अपना ड्रेसिंग एरिया, क्योंकि सैटरडेज़ को मोस्टली बच्चे घर पे ही होते हैं, और ना भी हो तो ये ड्यूटी वो इवनिंग में कंप्लीट करते हैं, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि अगर कभी वीकली स्टडी एरिया को क्लीन करने से वो आनाकानी करें तो नेक्स्ट वीक तक मेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत बार वो बुक्स और स्टेशनरी यहाँ वहाँ रख देते हैं, जिसे वीकली ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो उनके लिए ही काफ़ी ईजी होता है। इसी तरह से जल्दी जल्दी में कई बार मैं भी अपना कॉस्मेटिक यहाँ से वहाँ रख देती हूँ, तो वीक में एक बार सारी चीज़ों को फिर से ऑर्गेनाइज करके इस एरिया की क्लीनिंग भी कर देती हूँ, और ये भी एक ऐसा काम है जो आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये सारी तो वो क्लीनिंग्स हैं जो वीकली मुझे करनी ही हैं। इसके अलावा घर की ऐसी बहुत सी चीज़ें और एरियाज़ होते हैं जिनको 10 से 15 दिन में एक बार क्लीन कर ही लेना चाहिए। अपने घर के हर एरिया को रोटेशन में क्लीन करने के लिए आपको उन्हें कैटेगराइज तो करना ही पड़ेगा, और रेगुलर क्लीनिंग की वजह से डर्ट और मैस कम होता है और क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम भी यूटिलाइज नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी वीकली क्लीनिंग में कोई विंडो क्लीनिंग या वॉशरूम क्लीनिंग क्यों नहीं है, तो उसका जवाब आपको मेरी डेली क्लीनिंग वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और बेडसाइड टेबल पे रखे पेपर्स को डिक्लटर करना और बुक्स और डायरीज को ऑर्गेनाइज करके रखना भी साथ ही हो जाता है। संडेज को मैं सारे घर की क्लीनिंग को छोड़ के सिर्फ हैवी लॉन्ड्री, वेडाज एंड बालकनीज की ही क्लीनिंग करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि संडेज को मैं क्या और कैसे करती हूँ तो आप मेरे रिसेंटली अपलोड किए संडे व्लॉग में देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।